दोस्तों, अगर आप भी दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी को महान विकेटकीपर और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद दिनेश कार्तिक ने किया बड़ा खुलासा। महेंद्र सिंह धोनी के छक्के को बड़ा कारण बताते हुए किया पूरे क्रिकेट जगत को हैरान। जी हां दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में बेंगलुरु की टीम को जीत मिली और बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बीच दिनेश कार्तिक ने जीत की असली वजह बताते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी अपने कानों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आखिरकार बेंगलुरु की जीत के बाद दिनेश कार्तिक ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है भारत का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आज बेंगलुरु के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 47, कप्तान प्लेसिस के 54, रजत पाटीदार के 41 और कैमरन ग्रीन के नाबाद 38 रन के दम पर 20 ओवर के अंदर 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और इस बीच चेन्नई की टीम के लिए शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई चेन्नई की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 201 रन बनाने थे और जीतने के लिए 219 रन, लेकिन चेन्नई की टीम दोनों ही काम नहीं कर पाई और इस मैच में चेन्नई की टीम 20 ओवर के अंदर मात्र 191 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मैच को 27 रन से हार गई। लेकिन इस बार मैच में जीत के बाद बड़ा खुलासा करते हुए दिनेश कार्तिक ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। दिनेश कार्तिक ने खुलासा करते हुए कहा कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मैच में बेंगलुरु की टीम को जीत मिली है और बेंगलुरु की टीम ने जिस प्रकार से इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इस मैच में हमारी टीम की जीत के पीछे हमारी टीम के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन करना तो है ही, साथ में हमारी टीम का किस्मत भी है, क्योंकि इस मैच के अंदर बेंगलुरु की टीम के लिए एक समय पर जब महेंद्र सिंह धोनी के सामने गेंदबाजी करना हमारी टीम के गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी की एक गलती के कारण बेंगलुरु की टीम को जीत मिल गई। हालांकि ये गलती बेंगलुरु की टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई है और चेन्नई की टीम के लिए गलती नुकसानदायक साबित हो गई, जिसके कारण इस मैच में हमारी बेंगलुरु की टीम को जीत मिल गई और हमारी टीम इस बार प्लेऑफ के अंदर अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब अंतिम ओवर में 17 रन की जरूरत पड़ी तो यश दयाल के सामने पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने पीछे की तरफ 110 मीटर का लंबा छक्का लगाया जो स्टेडियम के बाहर चला गया और यही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। हालांकि अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए, लेकिन इस छक्के के कारण ही चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने इस गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचा दिया, जिसके कारण गेंद दोबारा से नहीं आ पाई और हमारी टीम को काफी बड़ा फायदा मिल गया, क्योंकि वह गेंद काफी ज्यादा गीली हो चुकी थी और बेहतर तरीके से जिसका उपयोग गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इसकी शिकायत हमारे अंपायर ने भी की थी, लेकिन अंपायर ने इसको नजरअंदाज कर दिया, परंतु जब दूसरी नई गेंद हमें दी गई तो यश दयाल ने बेहतर कंट्रोल के साथ विकेट लेकर मैच को पलट दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी के कारण इस मैच में बेंगलुरु की टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिला या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी विराट कोहली और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, क्वालिफाई करने के बाद भी, सीएसके को हराने के बाद भी कोहली ने जो धोनी के लिए कहा ना, वो सुन के दिल में इज्जत आपके ना कोहली के लिए 100-200 गुना तो बढ़ ही जाएगी। आज आखिरकार चेन्नई को हरा कर एक हारे हुए मैच को जीत कर टूटी हुई उम्मीद को छोड़कर प्लेऑफ में पहुंचने के बाद विराट ने अपने बयान में क्या कुछ कहा धोनी पर, खास तौर पर आपको उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट और धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 तो फेमस ही इन चीजों के लिए है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस सीजन में हो रहा है। ऑल टाइम हाई स्कोर से लेकर आरसीबी का ऐसा कमबैक जो किसी ने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी की टीम ये वही टीम है जो लगातार मैचेस हार रही थी, जिसके खिलाड़ियों के प्रदर्शन इतना ज्यादा घटिया था कि सबने इन्हें पहली टीम मान लिया था आईपीएल से बाहर होने वाली। लेकिन ये टीम नीचे से ऊपर उठती है, पॉइंट्स टेबल में तो सबको पछाड़ती है और आज नॉकआउट मैच में सीएसके के परखच्चे उड़ाकर उन्हें दिन में तारे दिखा देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉकआउट मैच आरसीबी के घर में खेला जा रहा था और आरसीबी ने दहाड़ते हुए वैसा प्रदर्शन भी किया। देखिए, आरसीबी की टीम मैच जीत जाए इतना काफी नहीं था, उन्हें सीएसके को रन बनाने से रोकना था और केवल रोकना ही नहीं था, वक्त ही रोकना था, यानी कि कुछ ओवर शेष रहते रोकना था, कुछ रन शेष रहते रोकना था। कोहली ने दोस्तों जहां 47 रन बनाए 29 गेंदों में तो डुप्लेसिस बनाकर गए 39 में 54, इसके बाद पाटीदार के 23 में 41 आए, 17 में 38 आए कैमरन ग्रीन के, मतलब कि फुल पावर पैक परफॉर्मेंसेस दी आरसीबी के प्लेयर्स ने और बनाए 218 रन, जिसे दोस्तों चेज करने में चेन्नई की कमर शुरू में ही सटिया गई थी जब गायकवाड़ 0 पर आउट हो गए। हालांकि रचिन रविंद्र 61 बनाकर गए, अजिंक्य रहाणे 33 रन और मैच तब रोमांचक हो गया जब जड्डू और धोनी की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी। दोस्तों, इधर जडेजा ने 22 में 42 बनाए तो धोनी 13 में 25 बनाकर आउट हो गए, फिर से वही माहौल बन गया फाइनल वाला, 2 गेंदों में 10 रन। लेकिन हर बार तो जड्डू की किस्मत भी उनका साथ नहीं देगी ना, ना तो वो टाइमिंग थी शॉट में, ना ही वो करेक्शन, जिसके चलते दोस्तों आरसीबी की टीम मैच भी जीती और मार्जिन से जीती 27 रन के, यानी कि वो क्वालिफाई कर गए और सीएसके बाहर चली गई।
अब दोस्तों धोनी का तो मुंह लटका हुआ था, वो हाथ भी मिलाने नहीं आए सबसे, लेकिन विराट कोहली ने उनके लिए एक स्पेशल बयान दिया है और जो वो उन्होंने कहा है ना सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने खासतौर पर धोनी के लिए कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस जज्बात को बयां करने के लिए, यकीन नहीं हो रहा अभी तक, और मैं सभी खिलाड़ियों के गले लगकर यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम क्वालिफाई कर गए हैं, और सबका जवाब हाँ है क्योंकि हमने ये कर दिखाया है। देखिए सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जब आपको पूरी दुनिया गलत साबित करने में तुली हो और आप कम बैक करके ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि जीतने की नई यादगार भरें। सीएसके के खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं था, हम जानते थे सीएसके की टीम तो तगड़ी है ही, साथ ही विकेट के पीछे जो इंसान है वो पूरा खेल चलाता है, इसलिए उनको हराने के लिए नई रणनीतियां हमने बनाई थी। अपना घर था तो बल्लेबाजी में सब कंफर्टेबल थे और साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी आज बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उन्होंने उन खिलाड़ियों के विकेट्स लिए हैं जो बड़े से बड़े दिग्गज टीम को हरा करा रहे हैं। वाकई में हैट्स ऑफ टू यश दयाल जिनके चलते हमने अंतिम लम्हों में मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों इसके बाद कोहली से जब धोनी के लिए कहने को कहा गया तो उन्होंने कहा, वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, मेरे कप्तान और हमेशा रहेंगे। हाँ उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन हम जीते हैं इस बात से वो भी जरूर खुश होंगे, और अगर ट्रॉफी जीते तो सबसे पहले उन्हीं के साथ बांटूंगा। दोस्तों विराट कोहली का ये कहना धोनी के लिए आज भी दर्शाता है कि दिल में इज्जत कितनी है धोनी के लिए उनके दिल में। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को पहुंचना चाहिए था प्लेऑफ में, या कोहली जीत गए तो उनकी जीत में खुशी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों बेंगलोर के मैदान में खेल तो आरसीबी रही थी लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि आरसीबी और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है, आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए सीएसके की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली, पर टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डुप्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा, लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ आपको बता दें कि केवल फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए, और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती, लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों एमएस धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई, वो आपस में बातचीत कर रहे थे लेकिन एमएस धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे, तो वो जानते हैं किनको लेकर आए उनके सामने, एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल स्टेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे, और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया, सेटअप यह था कि डेरिल मिशेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले, ये 10वें ओवर की बात है, और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं एमएस धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना, बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों विराट कोहली ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे लेकिन कंफ्यूज हो गए, लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिशेल को तैनात कर ही रखा था और मिशेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया आरसीबी की टीम पर, और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए, आगे चलकर डुप्लेसिस भी रनआउट हो गए। इससे दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली। अब कहने को तो सैंटनर ने गेंदबाजी करी, मिशेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए, इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी के सामने।
वैसे दोस्तों आप सभी धोनी की चालाकी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया तो वहीं विराट कोहली और डुप्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़, जैसा लक्ष्य कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके